सासाराम के धनकाड़ा में आज दिन दहाड़े मर्डर होने से जिला में अफरा तफरी मच गया है। आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से धनकाड़ा में दो गुटों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। दो दिन पहले भी मारपीट की घटना हुई थी, उसके बाद आज अचानक से धनकाड़ा के ही वकील राम की हत्या पीट कर कर दी गई। हत्या के बाद बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग सासाराम पोस्ट ऑफिस पर आ पहुंचे थे। पूरा पोस्ट ऑफिस चौक जाम करके प्रदर्शन करने लगे। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व बसपा नेता और लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी मनोज राम कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंची पुलिस के साथ मनोज राम की हाथापाई भी हुई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों समेत तमाम दलित नेता पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस के लापरवाही की वजह से यह मर्डर हुआ है। आगे आप तस्वीरों में आक्रोशित भीड़ का गुस्सा देख सकते हैं। नहीं में न्याय मिला हमारे लोग बताइए दिनारा के बीसी कला में करंज में अग्रिम फूट में यहाँ लगातार अत्याचार हो रहा है। यदि सर गिरफ्तारी करने से बड़ी बात सुनी होती है, मतलब नहीं है सर, वैसा वैसा ढेर मामला है संज्ञान में सर। अच्छा सर ठीक है, आप अगर इस टाइप का है, अगर न्याय नहीं मिला तो उस टाइप का आपको जो भी है वो आप सर आप न्याय दिए हैं। जीता जागता सर उदाहरण है। दो दिन पहले हमारे भाई को रेफर किया गया बनारस, उसको पकड़े। देखिए तीन दिन पहले मार के आपको भी मरने वाला था, उसको आप रेफर किए हैं पीएचयू को, उसका न्याय मिला? आप न्याय हमें देने में आप सुनिए बता रहे हैं सर, इतना न्याय तो क्या उसका इंजरी आया है? प्रशासन का देख रेख में उसको रेफर किया गया है, तो आप बताइए इंजरी रिपोर्ट कौन देगा? हम अभी अनिल भैया जो डिग्री में मर्डर हुआ है, हम है 17 नवंबर को 6 दिन के बाद मिला था, 20-20 का केस है, उसमें अभी अपराधी पकड़ाया नहीं है। अरे वैसा ढेर मामला, बहुत मामला पड़ा है। मनोज का अपने तरह के मनोज का दरोगा जी है, उसमें 5 लाख रुपए लिए थे घूस मरने करने के लिए। हम नहीं लगा कि सर मर्डर हुआ है इकलौता पुत्र का। आप लोग सर खाली यही देखते हैं, काम करने के बाद ना असलता पे नहीं जाना सर, ये सब कुछ ऐसे नहीं है। जीता जागता उदाहरण है कि वहाँ प्रशासन की उपस्थिति में मर्डर हुआ। अच्छा एक चीज साफ है, प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है सर। हम लोग प्रशासन से उम्मीद करके सर हम लोग आज मार खा रहे हैं सर, मारे जा रहे हैं सर। देखिए कब तक ये अत्याचार होते रहेगा, ये जुल्म कब तक सहेंगे सर? नहीं नहीं जुल्म यहाँ पर सहने, ये जुल्म है, पुलिसिया जुल्म है सर, ये डायरेक्ट पुलिसिया जुल्म है। एसपी के यह मामला संज्ञान में 2.5 साल से है, यहाँ के डीएसपी साहब का मामला संज्ञान में है सर, यहाँ के थाना प्रभारी का मामला संज्ञान में है। क्या कर रहे हैं आप लोग सर, कैसे उम्मीद लगाए हम लोग, कैसे उम्मीद लगाए आप लोगों से सर? ये आप लोगों से हम लोग का न्याय का उम्मीद नहीं है, ये न्याय का उम्मीद नहीं है सर। ये कर देंगे वो कर देंगे, करते नहीं है लोग। बात उनसे वो क्या न्याय इसको दे रहे हैं, उसके बाद कुछ इस पर निष्कर्ष निकला नहीं हटेंगे। हटने का सवाल पैदा नहीं है, रात भर दिन भर आंदोलन चलेगा सर, चाहे जो कुछ हो जाए। सब कुछ लाइव चला, पेज की मदद से बुला सकते हैं। पूरा पूरा रातों रात सारे लोगों को बुला लो, लाइव पूरा।